हेलो दोस्तों, मैं इस समय कुछ सामाजिक ज्वलंत मुद्दों के बारे में बायोलॉजी की सहायता से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें से एक टॉपिक है जो टॉपिक है माँ के गर्भ में शिशु का लिंग निर्धारण। यानी माता के शरीर के गर्भ के भीतर जो शिशु है, उस शिशु का लिंग निर्धारण कैसे होता है, वो मेल क्यों होती है, वो फीमेल क्यों होती है, इसमें मदर का रोल होता है कि फादर का रोल होता है। हम इसके बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे जीव विज्ञान के द्वारा, बायोलॉजी के द्वारा। ये तुम्हारे 12th क्लास का कोर्स है, ये तुम्हारे 10th क्लास का कोर्स है। इसका संबंध जेनेटिक्स से है, अनुवांशिकी से। हम इधर पेपर में पढ़ते रहते हैं, तमाम कुछ केसेज हुए हैं, कुछ बातें उठती रहती हैं। हमेशा जब मदर फीमेल संतान को जन्म देती है, मादा संतान को जन्म देती है, तो हमारा समाज, हमारा पुरुष प्रधान समाज इस बात का दोष माता को देने की कोशिश करता है। तमाम मदर इसके कारण डिप्रेशन में चली जाती और मानसिक रूप से प्रॉब्लम में रहती। संतान नर होगी कि मादा होगी, इसका निर्धारण प्रकृति, नेचर करती। इसके बारे में पहले से बहुत सारी किंवदंतियां प्रसिद्ध रही कि अगर मदर माता जो गर्भ धारण किए हुए है वो चंद्रमा की तरफ देखेगी तो उसकी संतान नर होगी, वो इस प्रकार का भोजन पाएगी, खाएगी तो उसकी संतान नर होगी। ये सारी किंवदंतियां, ऐसा नहीं है। हमारे मानव समाज में इस बात की जानने की बड़ी उत्सुकता आज से नहीं, आदिकाल से रही कि माँ के गर्भाशय में पलने वाली संतान नर कैसे होती है और मादा कैसे होती। हम इन सारे किंवदंतियों पर विराम लगाते हुए आज तुमको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में मदर के शरीर के भीतर गर्भाशय में पलने वाली संतान में लिंग का निर्धारण, नर का निर्धारण और मादा का निर्धारण कैसे हो जाता है। इसके लिए एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है माइकलन। 1902 में इन्होंने सारी किंवदंतियों पर विराम लगाते हुए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि वास्तव में मदर के गर्भाशय के भीतर लिंग के निर्धारण का संबंध गुणसूत्र से, क्रोमोसोम से। गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो माता पिता के लक्षण को संतानों में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। जैसे हमने ये बोर्ड पर लिखा है, ये नर है यानी पुरुष है, हम मानव जात की बात कर रहे हैं, ये मादा है यानी स्त्री है, ये मेल है, ये फीमेल है। हम मेल को ऐसे सिंबल से दिखाते हैं, फीमेल को ऐसे सिंबल से दिखाते हैं। वो मानव के शरीर की जितनी सेल्स हैं सब में 46 क्रोमोसोम हैं। ये क्रोमोसोम हमेशा जोड़ी में पाए जाते हैं, 23 जोड़ी में पाए जाते हैं। हम पुरुष की बात कर रहे हैं, नर की बात कर रहे हैं। इस नर में जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो आपस में एक दूसरे के समान होते हैं। जैसे 22 जोड़ी गुणसूत्र में से प्रत्येक जोड़ा आपस में एक दूसरे के समान है, हम इनको एक्स एक्स क्रोमोसोम से प्रदर्शित करते हैं, हम इसे ऑटोसोम कहते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा पुरुष के अंदर है, वो 23वां जोड़ा में एक गुणसूत्र दूसरे प्रकार का है, दूसरा दूसरे प्रकार का है। जैसे देखो, एक को हमने डार्क ब्लैक बनाया है, एक को डार्क रेड बनाया है, इसका शेप दूसरे प्रकार से बनाया है, इसका शेप दूसरे प्रकार से बनाया है, हम इनको एक्स वाई क्रोमोसोम कहते हैं। तो 22 जोड़ी ऑटोसोम है और एक जोड़ी एक्स वाई है जिसे हम एलोसोम कहते हैं। लेकिन जो स्त्री है उसमें सभी 23 जोड़ी में से प्रत्येक जोड़ा आपस में एक दूसरे के समान है। देखो, 22 जोड़े भी एक्स एक्स हैं और 23वां जोड़ा भी एक्स एक्स है, उसमें एलोसोम नहीं है। यानी इसमें अंतिम जो जोड़ा है, 23वां जोड़ा है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है, दोनों क्रोमोसोम समान है। देखो, यहां असमान है, यहां समान है। जो स्त्री होती है ये अंडाणु का निर्माण करती है, ओवम का निर्माण करती है, ये मादा युग्मक है। और जो पुरुष होता है वो स्पर्म बनाता है, शुक्राणु बनाता है, ये नर युग्मक। जब ये शुक्राणु बनाएगा तो ऐसी 22 जोड़ी है यानी 44 गुणसूत्र हैं, उसमें से 22 गुणसूत्र यक्ष के आ जाएंगे। इसमें से यक्ष और वाई में से कोई एक्स आएगा या वाई आएगा, जैसे इसमें देखो यक्ष आया और इसमें वाई आया। इसीलिए स्पर्म दो प्रकार का बना, एक ऐसा स्पर्म बना जिसमें एक्स गुणसूत्र है और दूसरा ऐसा स्पर्म बना जिसमें वाई गुणसूत्र है। ये स्पर्म बनते समय गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है,
जैसे यहाँ 46 है तो इसमें गुणसूत्र की संख्या 23 हो जाएगी। ऐसा एक डिवीजन के कारण होता है जिसे अर्धसूत्री विभाजन या मियासी डिवीजन कहते हैं। अब इस पुरुष में जो स्पर्म बनेंगे चाहे जितने बनेंगे, मिलियन बनते हैं, बिलियन बनते हैं, चाहे जितने बनेंगे वो दो प्रकार के बनेंगे, 50% यक्स के स्पर्म बनेंगे और 50% वाई के स्पर्म बनेंगे। लेकिन जो स्त्री होती उसमें एक ही ओवा बनता है मियासी डिवीजन से, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी 23 हो जाती, और जो 23 का ओवा बन रहा है वो एक्स प्लस यक्स का ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 23वीं जोड़ी में भिन्नता नहीं है, तो ओवम एक ही प्रकार का बनेगा और सिंगल बनेगा। अगर इस स्पर्म से ओवम का निषेचन होगा तो देखो 23वीं जोड़ी एक्स एक्स, 23वीं जोड़ी एक्स एक्स, ये संतान फीमेल होगी यानी ये लड़की संतान बनेगी। लेकिन अगर इस स्पर्म से निषेचन होगा तो देखो 23वीं जोड़ी एक्स वाई, एक्स वाई मेल में पाया जाता है, यह संतान मेल बनेगी यानी लड़का का विकास होगा। तुमने देखा कि जैसे ही स्पर्म ओबम को निषेचित किया, ये बात उसी समय क्लियर हो गई कि अब निर्मित जो जायगोट है उससे संतान मेल बनेगी कि फीमेल बनेगी, उसी दिन निश्चित हो गई, यानी फर्स्ट डे। जैसे ही मदर के बॉडी में फर्स्ट डे हमारी शरीर जायगोट के फार्म में निषेचन के फलस्वरूप बनती है, तुरंत ही क्लियर हो जाता है इससे संतान मेल होगी कि फीमेल होगी। अगर वाई स्पर्म से निषेचन हुआ है और जायगोट बन गया है तो उससे जो संतान डेवलप होगी वो मेल होगी, और अगर एक्स स्पर्म से निषेचन हो गया है तो जो संतान डेवलप होगी वो फीमेल डेवलप होगी। कहीं इसमें फीमेल का कोई रोल नहीं है लिंग के निर्धारण में। लिंग के निर्धारण में रोल किसका है? स्पर्म का। और स्पर्म बनता किसमें है? पुरुष में। तो हमारा समाज जो महिलाओं को, स्त्रियों को इस बात का दोष देता है कि बार बार संतानें फीमेल होती हैं, इस दोष की कोई आवश्यकता नहीं जो विज्ञान द्वारा इसको समझाया जा सकता है। इसमें पुरुष का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक्स स्पर्म से ओवम का निषेचन होगा कि वाई स्पर्म से ओवम का निषेचन होगा, ये 50-50% चांसेज है। इसका निर्धारण प्रकृति ने कर रखा, इट इज बाई चांस। इसीलिए संतान चाहे नर होगी चाहे मादा होगी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। फीमेल का तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, इसीलिए हम फीमेल को किसी प्रकार से इसके बारे में दोष नहीं दे सकते। अगर ये शिक्षा तुम्हारे समझ में आ रही है तो तुम अपने अगल बगल अगर इस प्रकार से कोई स्त्री प्रताड़ना सह रही है तो आसानी से वहाँ के फैमिली को, वहाँ के परिवार को अपने जीव विज्ञान द्वारा समझा करके इस प्रकार की प्रक्रिया से उसे निदान दिला सकते। इस वीडियो को अगर शेयर करोगे, अलग अलग समाजों में वीडियो जाएगा, लोग समझेंगे पढ़ेंगे, तो ये हमारी जो कुरीतियाँ हैं वो आसानी से दूर हो जाएंगी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ज्वलंत मुद्दों के बारे में। थैंक यू।